सभी जानते हैं कोरिया की इमेजिनेशन उनके कॉन्सेप्ट को टक्कर दे ऐसा कोई और नहीं। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट लेकिन कोरिया की वो टच और सबसे बड़ी बात वो डायरेक्टर की यूनिक एफर्टनेस इस लेवल का कि हर एक सीन फ्रेश और नया लगता है। इनकी खासियत ही होती है हर एक छोटी छोटी चीजों पे बारीकी से ध्यान देते हैं जिससे सीरीज देखने का इंटरेस्ट हाईएस्ट लेवल पे चला जाता है। और 2021 में तो ऐसे ऐसे मास्टरपीस कोरियन सीरीज हमारे सामने रख डाली जिसे देखने के बाद तो कोरिया सीरीज से इस लेवल से लगाव हो गया कि कुछ और देखने का मन ही नहीं करता। तो आज के रिव्यू में 2021 की कोरिया की सबसे बेहतरीन सीरीज लाए हैं। इस लिस्ट में उन सीरीज को भी ली है जो 2021 में हिंदी में डब्ड किया गया और खुशी की बात है कुछ बोनस सीरीज को भी लाए हैं जो हमेशा की तरह इस लिस्ट से भी एक लेवल ऊपर होगा जिसे कभी भी मिस मत करिएगा। ऐसे ही सिर्फ क्वालिटी कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। तो चलिए कोरिया की क्वालिटी कंटेंट को एक्सपीरियंस करते हैं। नंबर 7 की सीरीज आप सोचिए एक ही झटके में आपकी खुशियां आपकी फैन फॉलोइंग और आपकी आजादी छीन जाए तो आप क्या करिएगा। ये सीरीज आपको अच्छी तरह से दिखाएगी कोरियन ड्रामा के साथ प्रिजन प्लेबुक। सीरीज की स्टोरी कोरिया की सबसे बड़े बेसबॉल प्लेयर की है। एक गलती की वजह से उनकी सारी खुशियां उनकी आजादी एक ही पल में कैसे तहस नहस हो जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर डायरेक्टर ने आउटस्टैंडिंग तरीके से रखने की कोशिश की है। बस सीरीज का एक ही नेगेटिव पॉइंट है सीरीज थोड़ा पेशेंस मांगती है बस इसीलिए इस लिस्ट में नंबर 7 पे है। बाकी आप सीरीज से कनेक्ट हो गए तो पूरा देखकर ही छोड़िएगा। इसे आप हिंदी डबिंग के साथ प्लेफ्लिक्स पे देख सकते हैं। नंबर 6 की सीरीज सच में कोरिया की इमेजिनेशन को मानना पड़ेगा। क्या हो अगर आपके 5 दिन पहले ही आपको बता दिया जाए कि आप नर्क जाने वाले हैं। आपके पैरों के सामने से जमीन खिसक जाएगा ना। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2021 की एकदम भयानक फैंटेसी हॉरर मिस्ट्री के साथ स्टोरी एकदम खतरनाक। आपको 5 दिन पहले ही नर्क के एक दूत आपको बता देगा कि आज से 5 दिन बाद आपको बुरी तरह से नर्क ले जाया जाएगा। तो सोचिए आपका रिएक्शन क्या होगा। इसी कॉन्सेप्ट को सीरीज कोरिया अपने अंदाज में दिखाती है। बस सीरीज का एक ही नेगेटिव पॉइंट है सीरीज अपने पॉइंट तक आने में थोड़ा समय लेती है। सीरीज को इसके यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए एक ट्राई जरूर दीजिएगा। सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 5 से पहले बोनस नंबर 1 की सीरीज की पॉपुलैरिटी के बारे में क्या बताएं। डिसेंडेंट ऑफ द सन के बाद कोई एक बंदा ना होगा जो इनका फैन ना होगा। कोरिया की 2021 की ब्लॉकबस्टर सीरीज ऊपर नेटफ्लिक्स की कॉन्सेप्ट हो तो पूछिए मत। रोमांस मिस्ट्री ड्रामा के साथ बेसेंजो ऐसी मास्टरपीस सीरीज नहीं देखें तो अभी देखिए मजा आ जाएगा। नंबर 5 की कोरिया की सीरीज यार इस ड्रामा सीरीज को देखने के बाद इस सीरीज के बिल्ला से आप इमोशनल लेवल पर कनेक्ट हो जाएंगे। हर एक बिल्लियों से आपको प्यार हो जाएगा। हो सकता है आप एक बिल्ली को अडॉप्ट भी कर लें। इस लेवल पे ये सीरीज आपको हिट करेगी जिसे हाल ही में हिंदी में डब किया गया रोमांस ड्रामा के साथ मैं हूं द सीक्रेट बॉय। जिस तरह से सीरीज के नाम है स्टोरी बिल्कुल उसी तरह से है। एक मिस्ट्री बिल्ला एकदम से कभी इंसान बन जाता है तो एकदम से कभी बिल्ला। एक ऐसी लव स्टोरी काफी कमाल की होगी ना। एक इंसानी बिल्ला और एक लड़की की देखने में मजा बहुत आएगा। और सच में सीरीज की स्टोरी काफी कमाल की है। लीड एक्ट्रेस और उनकी बिल्ला से आपको प्यार हो जाएगा। और खुशी की बात है ये सीरीज हिंदी डबिंग के साथ एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है। एक ट्राई जरूर दीजिएगा। नंबर 4 की सीरीज लीड कैरेक्टर की मासूमियत और उनके एक्टिंग आपको अंदर से रुला देगी। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2021 की सीरीज नहीं इमोशन कोरियन ड्रामा के साथ मूव टू हेवन। स्टोरी एक ऐसे एबनॉर्मल बच्चे की कहानी है। उनके पिताजी के मौत के बाद उनके बिजनेस मूव टू हेवन में ट्रॉमा क्लीनिंग का काम करता है यानी लोगों को मरने के बाद उनका घर साफ करना। थोड़ा अजीब काम है ना, पर ये सीरीज आपको अपने ब्यूटीफुल सिनेमेटोग्राफी से आपको अजीब नहीं लगने देगी। सीरीज को देखनी चाहिए इसकी यूनिक कॉन्सेप्ट और लीड कैरेक्टर की एक्टिंग जो आपको जरा सा भी ऑकवर्ड फील नहीं होने देगी। सीरीज को एक बार देखना चालू करिए लीड कैरेक्टर की एक्टिंग आपको अंदर वाला फीलिंग को हिट करेगी। सीरीज नेटफ्लिक्स पे आउटस्टैंडिंग हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 2 की सीरीज यार इसके कॉन्सेप्ट ने तो हमारा दिमाग ही हिला डाला। जब एक एक करके इसके सस्पेंस और मिस्ट्री रिवील होता है ना तो वो देखकर सीरीज आपको पूरी तरह से सरप्राइज करेगी। सुपर हिट सस्पेंस मिस्ट्री के साथ फ्लावर ऑफ एविल। बस दुख की बात है हर हफ्ते एक ही एपिसोड इसके हिंदी में डब हो रही है। नंबर 3 की कोरियन सीरीज को हम सभी उनके फ्रेश रोमांस ड्रामा के नाम से जानते हैं लेकिन इस सीरीज ने इस लेवल का फीमेल एक्शन ने तो हमारी सोच ही बदल डाली। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2021 की बेहतरीन सीरीज में से क्राइम थ्रिलर बैड एस फीमेल एक्शन के साथ स्टोरी गैंगस्टर वार पे बेस्ड है। जब अपने पिता को दिन दिहाड़े गोली मार दिया जाता है तब एक बेटी अपने पिता का कातिल को ढूंढने निकलती है। उसके बाद से जो तबाही होता है ना वो देखकर जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो बता नहीं सकते। एक लड़की बेरहम और जालिम गैंगस्टर के बीच सर्वाइव कर अपने स्किल को डेवलप कर उनके विरुद्ध खड़ा होती है वो देखने लायक होता है। सीरीज नेटफ्लिक्स की कमाल की हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है।
नंबर टू की सीरीज यार पूछिए मत, अगर स्टार्टअप के बाद कोई सीरीज उस लेवल पे हिट किया है तो वो है नंबर टू की सीरीज। हर एक कैरेक्टर की एक्टिंग आपको हिट करेगी। एक और नेटफ्लिक्स की तरफ से सुपर हिट रोमांस ड्रामा के साथ इटा वन क्लास। ऐसी मास्टरपीस सीरीज हम ऑडियंस के लिए कोई इंस्पिरेशन से कम नहीं। सीरीज की स्टोरी एक आम आदमी और शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन से रिवेंज की है। ऐसा वैसा रिवेंज नहीं है, अपने हुनर, कॉन्फिडेंस और जुनून वाला। ये सीरीज आपको सिखा जाएगी कि अगर आप में पेशेंस और कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी सीरीज को एक बार डेफिनेटली एक्सपीरियंस करनी चाहिए। सीरीज नेटफ्लिक्स के हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर वन से पहले बोनस नंबर थ्री की सीरीज यार पूछिए मत, कोरियन ड्रामा सीरीज देखने का एक्सपीरियंस को इस लेवल तक लेकर गया कि बता नहीं सकते किस लेवल तक लेकर गया। कोरिया की अब तक की सबसे बेहतरीन सीरीज में से एक क्राइम रिवेंज मिस्ट्री थ्रिलर के साथ द पेंटहाउस। ऐसी सीरीज को बस एक बार एक्सपीरियंस करके देखिए, मजा आ जाएगा। और खुशी की बात है इसके दोनों सीजन हिंदी डबिंग के साथ एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है। नंबर वन की सीरीज ऐसी मास्टरपीस सीरीज को क्या रिव्यू करने तक की जरूरत नहीं है। ऐसी सीरीज को बिना रिव्यू किए देखना चालू करिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिसने नेटफ्लिक्स पे नया रिकॉर्ड सेट कर दिया 2021 की मास्टरपीस सुपर डुपर हिट क्राइम ड्रामा थ्रिलर के साथ स्पीड गेम। अगर आप कोरियन ड्रामा सीरीज के फैन है तो ऐसी खतरनाक सीरीज को अभी तक नहीं देखा तो क्या देखा, अभी जाकर बिना डाउट किए देखना चालू करिए। ऊपर से नेटफ्लिक्स की इतने परफेक्ट तरीके से हिंदी डबिंग सीरीज देखने का मजा दोगुनी कर देगी। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।